वेलकम टू न्यू ब्लॉग इमरान वी के। दोस्तों आज मैं आया हूँ बहुत बढ़िया जगह पे, आप देखोगे वीडियो देख के मजा आ जाएगा। आज मैं आया हूँ एक बेकरी में, बेकरी में बिस्कुट किस तरीके से बनाए जाते हैं वो आपको सारी चीज दिखाऊंगा, ए टू जेड दिखाऊंगा, किस तरीके से उसका आटा गूंदा जाता है, किस तरीके से बिस्कुट बनाए जाते हैं, किस किस तरीके से मशीन में पकाए जाते हैं। तो दोस्तों मैं पूरी चीज दिखाऊंगा, ए टू जेड पूरी वीडियो में दिखाऊंगा। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें। और चलिए दोस्तों मैं बेकरी में चलता हूँ और आपको बिस्किट की बेकरी दिखाता हूँ और किस तरह के बिस्कुट बनाए जाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मेरे पीछे बहुत बड़ी ये फैक्ट्री है एक तरीके से, और मैं यहाँ ये गेट के एंट्री में आ चुका हूँ और अंदर बिस्किट बन रहे हैं और बिस्किट किस किस तरीके से बनाए जा रहे हैं मैं वो आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा और भाई से पूछूंगा क्या क्या बिस्किट में बनाने के लिए मिलाया जाता है। तो मैं अंदर बेकरी में जा रहा हूँ और आपको पूरी डिटेल दिखाता हूँ दोस्तों कैसे कैसे बिस्किट बनाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं बेकरी के अंदर आ चुका हूँ और ये हमारे बेकरी के भाई हैं, बेकरी वाले भाई हैं, इनका नाम है फहीम भाई। मैं फहीम भाई से पूछूंगा ये किस तरह की क्या मशीन चल रही है और इसमें क्या हो रहा है। फहीम भाई कैसे हो, बढ़िया हो? फहीम भाई आप मुझे बताइए बिस्किट किस किस तरीके बनाए जाते हैं और ये मशीन किस चीज की चल रही है वो आप मुझे बताइए। इसे आपस में दोनों को बढ़िया से भेजा जाता है। तो देख सकते हैं ये बिस्किट बनाने की मशीन है, इसमें आटा गूंदा जा रहा है जो कि आटे का जो बिस्किट बनाने का सामान। अभी इसमें घी और चीनी मिक्स हो रही है, क्रीम बन रही है। अच्छा, ये क्रीम बन रही है बिस्किट पे जो ऊपरी परत के ऊपर, और इसी मशीन में ही आटा गूंदा जाता है जो बिस्किट बनते हैं। ठीक है, तो इसकी मशीन आप तरीके से मशीन है और ये भी चल रही है। और फहीम भाई और बताइए आप। और यही है इसमें अभी आटे वाला बिस्किट है, इसमें कि इसमें आटा डाला जाएगा अभी। हाँ जी, चीनी है, जो चीनी होती है किसी भी चीनी जो चीनी है तो उसको पिसवाया जाता है इसको। अच्छा। चीनी को दोनों तरफ मिक्स करके तो करके फिर इसमें बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड, वनीला ऐसा डाल के बड़े करके इसको निकाला जाएगा। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम सब इसमें मिक्स करके इसको क्रीम बना के इसमें मैदा मिक्स करके। दोस्तों इस मशीन को पूरा दिखा देता हूँ, जो आटा पीसने वाली मशीन है, जो बिस्किट बनाने के लिए तैयार सामान का जा रहा है, जो मशीन में पीसा जा रहा है, मिलाया जा रहा है अपनी भाषा में, जैसे मिलाया जा रहा है। तो ये पूरा दिखा देता हूँ आपको इस तरीके से बिस्कुट बनाने का मैदा मिलाया जा रहा है, और मिलाने के बाद ये पूरी मशीन से दिखा देता हूँ किस तरीके से मिलाया जा रहा है इसमें, और ये यूं करके यहाँ ये निकाला जा रहा है इस तरीके से। ये मिक्स करने के बाद इस तस्ने में निकाल लिया जाता है बिस्कुट तैयार करने के लिए, और ये पूरी मशीन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से घूम रही है, ये देख सकते हैं दोस्तों। और ये मोटर है इसकी, मशीन में आएगा आपको दूसरी मशीन दिखाते हैं। अब ये मशीन है, ये ऑटोमेटिक मशीन है। हाँ, तो इसमें ये आप ये लेके आए आटा बना के, तो इसमें इस मशीन में इसको पहले इसने डाल रखा है, इसमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक बटन मशीन है, इसको कंप्यूटर के द्वारा पहले सेट कर दिया जाता है, तो इसको बटन दबाना है अपने आप इसको ऑटोमेटिक लिख लेगा इसमें से। ये अजवाइन है, इसमें बिस्कुट नमकीन वाला बिस्कुट, इसलिए अजवाइन डाली जाती है। तो अब ये देखिए तो आपके सामने है ये ऑटोमेटिक है, और इसमें अजवाइन डाल दी, ये ऑटोमेटिक मशीन है। दोस्तों देख सकते हैं ये मशीन ऑटोमेटिक मशीन है, ये पूरी मशीन आपको दिखा रहा हूँ मैं, पूरे चारों तरफ से मशीन दिखाता हूँ आपको। ये इस तरीके से यहाँ से ट्रे डाली जा रही है बिस्किट की, ये ट्रे डाली जा रही है, और ये यहाँ से ऑटोमेटिक मशीन जो आटा गूंदा हुआ था वो आटा बना गूंद के ये बिस्किट बाहर निकाल दे रही है पूरी तैयार। तो मैं आपको फ्रेंड की तरफ से दिखाता हूँ दोस्तों, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले है, इसको ये सारे फंक्शन सेट करके कितना वजन, कितनी क्वांटिटी, कैसी डिजाइन और कौन सा बिस्किट बनाना है, तो उस तरीके से उसको सेट किया जाता है। सेट करने के लिए इसमें जैसे मोबाइल चलाया तो उस तरीके से सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद अपने आप ऑटोमेटिक इसके निकल जाते हैं, आधे घंटे में ये 10 किलो माल निकाल देती है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मशीन है, और इस मशीन के अंदर देख सकते हैं, मैं आपको पूरा एपिसोड दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये 3 बिस्किट हो गए, फिर आपके ये 6 बिस्किट हो गए, 9 हो गए, और ये इस मशीन ने 12, एक ट्रे में 12 बिस्किट ये मशीन निकाल देती है एक साथ, और इसी तरीके से ये मशीन बिस्किट बना देती है। फिर तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, ये ओवन में जाने वाली ट्रे है,
ये पूरा एक ओवन में जाएगी ये पूरी ट्रे, जिस तरीके से भाई ये बिस्किट रखना है इसमें, ये पूरी दिखा देता हूँ आपको, ये ट्रे पूरी, ये ट्री जाएगी ओवन में, ये ओवन में बिस्कुट पक के आएंगे पूरे बाहर। तो वो मैं ओवन भी दिखाऊँ आपको किस तरह ओवन है, ये देख सकते हैं, चार ऑप्शन में दिखा देता हूँ इसकी आपको, ये दोस्तों जैसे मैंने कहा था बिस्कुट पूरा तैयार दिखाऊंगा। अब ये जो पूरा मशीन है ये पूरे ओवन में जा रही है, ये पूरी ट्रे एक तरीके से, छोटी ट्रे अलग है और ये पूरी एक बड़ी ट्रे अलग है, ट्रॉली, सॉरी ट्रॉली बोलते हैं इसको, ये ट्रॉली है, ये ट्रॉली पूरी ओवन में जा रही है, आप देख सकते हैं, लाइव दिखा रहा हूँ आपको, ये ओवन में ट्रॉली जा रही है और अंदर इसमें इतनी हीट है इस टाइम पे, अगर मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म है, ये वीडियो में लग नहीं रहा है, बाकी ये पूरी ट्रॉली अंदर चली गई है बिस्किट पकने के लिए। अभी मैं सब दिखाऊंगा इसका प्रोसीजर, इन्होंने गेट बंद कर दिया है बिस्किट पकने के लिए, ये मशीन स्टार्ट कर दी है भाई ने, ये देख सकते हैं ये ट्रॉली तैयार हो गई अब, और ये हमारे भाई हैं, ये भी यहाँ काम करते हैं और इन्होंने ये मशीन स्टार्ट कर दी है। अब देख सकते हैं इसका टेम्परेचर कितना है, 185 टेम्परेचर है इसका, ये मशीन चल रहा है और ये 20 मिनट में इसके अंदर बिस्किट बन के तैयार। कितने बिस्किट बन जाएंगे एक बार में? इस ट्रॉली में कितने बिस्किट है? इसमें बन जाएगा 20 किलो माल लगभग, ये 36,000 बनते हैं। हाँ टोटल बिस्किट एक में 12 हैं आपने गिने थे, तो उसमें 76 × 12 कर लो, लगभग 400-500 बिस्किट तैयार हो जाएंगे। दोस्तों इन्होंने बताया फहीम भाई ने 400 से 500 बिस्कुट एक ही बार में तैयार हो जाएंगे इस मशीन में। तो आप देख सकते हैं कितनी अद्भुत ये मशीन है जो एक ही बार में 500 बिस्कुट को पका के और बाहर निकाल देगी। तो 15 से 20 मिनट में इस ओवन के अंदर बिस्किट तैयार हो जाते हैं। दोस्तों मैं अभी बिस्किट तैयार हो रहे हैं वो भी मैं दिखाऊंगा, बिस्कुट तैयार होकर जैसे ट्रॉली बाहर निकलेगी, ट्रॉली जैसे बाहर पक के निकलेगी वो भी दिखाऊंगा आपको, गर्म गर्म बिस्किट दिखाऊंगा। तो अभी मैं वेट करता हूँ, देख सकते हैं ओवन में बिस्किट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और जैसे मैंने कहा था 15 से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारे फहीम भाई जो यहाँ के ऑनर हैं वो अब बिस्किट निकालने आ रहा है। ओवन बहुत गर्म हो रहा है, ये देख सकते हैं अभी कपड़े से पकड़ कर निकाल रहे हैं। तो अभी मशीन बंद कर रहे हैं, देख रहे हैं आप ओवन घूम रहा था अंदर। अब ये हमारे फहीम भाई ये बिस्किट निकालेंगे, ये बिस्किट की ट्रॉली बाहर आ चुकी है और आप देख सकते हैं ये बिस्किट कितने जबरदस्त और कितने अच्छे लग रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, मैं यहाँ खड़ा हुआ ऐसा लग रहा है किसी भट्टी के आगे खड़ा कर दिया मुझे, ये बिस्किट बहुत अच्छे लग रहे हैं इस टाइम पे। ये देखिए दूसरी ट्रॉली की तैयारी हो रही है अंदर जाने की, अब ये भी इसी तरीके से 15-20 मिनट में पक्के बाहर आएगी, उसी तरीके से सेम पोजिशन है और इस टाइम इतनी हीट हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है, बता नहीं सकता। तो देख सकते हैं बिस्किट पक चुके हैं, अभी कच्चे थे व्हाइट थे और अब सुरख हो चुके एकदम। तो इस तरीके से दोस्तों बिस्किट बनते हैं और तैयार होते हैं, वो पूरा प्रोसेसर दिखाया है, कंप्लीट होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं जारों में, ये जार धोके बढ़िया से इसमें पैक करके मार्केट के लिए फिर चला जाता है बिस्किट। हाँ देख सकते हैं ये इस बेकरी के ये हमारे फहीम भाई ऑनर हैं और इन्होंने पूरा प्रोसेसर समझाया मुझे किस तरीके से बिस्किट बनाए जाते हैं और किस किस तरीके से ओवन में पकाए जाते हैं, किस तरीके से आटा गूंदा जाता है। तो इन्होंने सब कुछ मुझे प्रोसेसर समझाया, इनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, बहुत बहुत फहीम भाई शुक्रिया आपका। और मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे इमरान भाई बहुत मेहनत करते हैं और ऐसे मैसेज देते हैं कि आगे आवाम में लोगों में उसका जानकारी मिले और हर कहीं पहुंच जाते हैं अपना कैमरा लेके, जो भी हो गरीबों की बहुत मदद करते हैं, आधार कार्ड हो आधार कार्ड का काम बहुत करवाते हैं और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए इमरान भाई आपके चैनल को लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, थैंक यू। दोस्तों हमारे फहीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।